कोड 6512 सेट 2 का ये सेकंड पार्ट है। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है हमसे। फाइंड द सब इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो किन फंक्शंस के अंदर ये हमारा जो फंक्शन है इंटरवल्स के अंदर ये डिक्रीजिंग होगा या फिर इंक्रीजिंग होगा। तो उसको निकालने के लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स लॉग का हो जाएगा 1/2 + x और यहां लगेगा यू बाई वी मेथड। तो 2 + x का स्क्वेयर, अब 2 + x सेम एक्स का हो गया 1 - x सेम और 2 + 2 का 0, एक्स का 1, ये हो गया 1। यहां इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 + x का स्क्वेयर और यहां जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक पावर बच जाएगी, वो यहां पे आ गया माइनस, यहां पे बचा 2 + x माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2 + x माइनस 2/2 + x का स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x/2 + x का स्क्वेयर। दिस इज आवर एफ डैश एक्स। फोर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर रखेंगे और यहां से एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, x/2 + x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, यहां पर आ गया x इज इक्वल टू 0। एक ही क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आ रही है और जो है x इज इक्वल टू 0। एक बार हम 0 से लेस वाली वैल्यूज और फिर 0 से बड़ी वाली वैल्यूज के लिए चेक करेंगे। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, चेक करें। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 यानी कि सारी नेगेटिव वैल्यूज जैसे कि -1, -2, -3, तो जब हम यहां पर एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो 2, जैसे -1 डाल दिया, 2 - 1 1 हो गया, या फिर -4 डाल दिया, तो स्क्वेयर है नीचे वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर वाली इसको नेगेटिव बना देगी। यानी कि जब एक्स लेस देन 0 होगा तो एफ डैश एक्स भी लेस देन 0 होगा। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। कहां तक, वैसे तो ये 0 से और -∞ तक होना था बट उसने एक्स की लिमिट दे रखी है कि आपको एक्स को -2 से बड़ा लेना है, -2 से इस तरफ। तो 0 से और -2 तक इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 0। अब हम चेक करेंगे व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब एक 0 से बड़ी वैल्यूज मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, तो ये तो पॉजिटिव है ही है और यहां एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to ∞। अब 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा, तो 0 से इन्फिनिटी के लिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इन दो इंटरवल्स पर हमने इसको चेक कर दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 का ए वाला पार्ट देखिए।
ए फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, इफ ए हमें दे रखा है तो बी निकालना है। समझें जरा, यहां पर एफ ए टू बी दे रखा है और एफ एक्स जो है वो टू एक्स दे रखा है, एंड जो एफ एक्स जो सॉरी ए है वो भी हमें दे रखा है, ए इज 1 2 3 4। मैं इसको आपको वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूँ, सॉरी एरो डायग्राम से। दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ से यहाँ हमारा फंक्शन डिफाइंड है, ए के अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4, ये 1 1 है, तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज हमें मिलेगी। तो जब हम इसमें 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 से मैप कर जाएगा, 2 डालेंगे तो यहाँ ये 4 से मैप करेगा, 3 डालेंगे तो 6 से, और 4 डालेंगे तो 8 से मैप करेगा, यानी B के अंदर ये एलिमेंट होंगे। वो कह रहा है 1 1 है, मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, मतलब अलग इमेज हमें मिलेगी, और यहाँ के हर एलिमेंट के लिए। आप बोले सर चलो ये तो ठीक है, बट कोई एलिमेंट ऐसा भी तो हो सकता है जिससे कोई आके मैप ना किया हो? नहीं हो सकता, उसने कहा है F is on to, तो यहाँ कोई एलिमेंट रह ही नहीं सकता है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी ही होगी, और सबकी प्री इमेज मिल रही है, तो B क्या हो जाएगा 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स इस बी सेट के अंदर आ जाएंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा निकालें एफ वन तो वो हो जाएगा 2, एफ टू निकालें 4, एफ थ्री निकालें 6, एफ फोर निकालें 8। तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2 4 6 और 8, मिल गया हमें बी, बस इतना ही करना था। अब इसके और वाला पार्ट या बी पार्ट देखिए क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 प्लस टेन इनवर्स 1। आप चेक कर लें, अगर हम यहाँ साइन से साइन को कैंसिल करते हैं तो 3π/4 जो है वो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आता, जो क्या होती है -π/2 to π/2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 180/4 यानी 4 से 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा दिस इज 135 डिग्री इसके अंदर नहीं है, मतलब इस एंगल को मुझे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा सो दैट ये हमारा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ जाए। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं साइन π − π/4, अभी भी ये क्या है 3π/4 है, और यहां पर तो हम इसे सीधा कैंसिल कर देंगे क्योंकि कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 to π, और 135 इसके बीच में है तो ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, और इस 1 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10π/4। 1 को 10π/4 लिखा जा सकता है क्योंकि 10π/4 1 होता है हमारा, तो यहां ये आ गया दिस इज अब साइन इनवर्स साइन π − θ, π- मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव और पाई पर नो चेंज, तो यहाँ आ जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 प्लस टेन इनवर्स 10π/4। यहाँ पे आ गया कैंसिल हुआ π/4 प्लस 3π/4 प्लस 5/4, एलसीएम सेम, सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 5π/4। तो सिंपली इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है और उसको ऐड कर देना है तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25।
or I must say the last question of section B. For two non-zero vectors, A vector and B vector, हमें क्या दे रखा है? Condition दे रखी है, A vector minus B vector, A vector plus B vector का modulus. ये दोनों बराबर हैं. Then find the angle between A and B. तो हमें A और B के बीच में angle निकालना है. हम यहां पर एक formula use कर लेंगे. दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो यहां हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वेयर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वेयर. और ये किस तरीके से ओपन होता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का जो स्क्वेयर है वो बराबर होता है ए वेक्टर का स्क्वेयर प्लस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वेयर. यहां माइनस है तो यहां आएगा माइनस ऑफ 2a डॉट b. और ये किस तरीके से होगा? a वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वेयर b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वेयर, और प्लस है तो प्लस आएगा 2 ऑफ a डॉट b. ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इधर आके माइनस की बन जाएंगी. इसको इधर ले जाइए, यहां बचा 0 ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b. ये हो गया 4 ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, एंड यहां से मिला a डॉट b इज इक्वल टू 0. आप समझें, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है. कब आता है वो? जब दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. सो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज पाई बाई टू, और वी कैन से बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सेक्शन c से क्वेश्चन नंबर 26 का a वाला पार्ट देखिए. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखते हैं और उस फंक्शन से लैम्डा की सम पावर n कॉमन आ जाती है और फंक्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. और लैम्डा की जो पावर वहां से कॉमन आती है, जैसे n 2 कॉमन, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वो 2 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, जो जनरली बच्चे जानते हैं. एक और डेफिनेशन होती है इसकी कि यदि मैं dy by dx को फंक्शन ऑफ y by x में लिख पाऊं तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. मतलब अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी x y वाली टर्म है वहां से कुछ x या y कॉमन लेके हर एक टर्म y by x की फॉर्म में आ जाए तो वो हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. और इसमें हम y को पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करके इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा मेथड होता है. बट यदि ये y बाई एक्स ना हो के ऐसा हो डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स ओवर y, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन x बाई वाई की फॉर्म में बन जाए, तो क्या हम बोलेंगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसको सॉल्व दूसरे तरीके से किया जाता है. यहां पर हम y को पुट नहीं करेंगे, जो ऊपर होता है उस टर्म को पुट करते हैं. तो यहां पर हम x को vy पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू vy, और तब इसको सॉल्व किया जाता है. आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर जनरल दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, और फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स है तो हम उसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे हम लास्ट क्वेश्चंस को कर रहे थे.
बट अगर वो एक्स बाई वाई की फॉर्म में आ जाता है तो ये एक स्पेशल टाइप बन जाएगा, तो हम वहां पर एक्स को वी वाई पुट करके और तब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर फंक्शन एक्स बाई वाई की फॉर्म में दे रखा है, तो यहां पर हम पहले तो लिखेंगे विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां पर हम x को vy पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू vy इन फर्स्ट, और इसका डेरिवेटिव कर लें। अब हम इसका डेरिवेटिव देखो, जब हम y को पुट करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, और जब हम x को ही पुट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में होगा। सो यहां पर dx ओवर dy v सेम y का हो गया 1 प्लस, अब y सेम और v का हो जाएगा dv ओवर dy एंड दिस इज सेकंड, और यहां पर vy रख देंगे तो ये बन जाएगी dx ओवर dy इज इक्वल टू e की पावर, क्या पुट कर रहे हैं vy, तो यहां हो जाएगा vy ओवर y, vy ओवर y माइनस 1, और यहां पर 1 प्लस e की पावर वी वाई ओवर वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा e की पावर v और v माइनस 1, यहां पर 1 प्लस e की पावर v, ये dx ओवर dy बन गया। सो dx ओवर dy इज इक्वल टू e की पावर v इंटू v माइनस 1 ओवर 1 प्लस e की पावर v एंड दिस इज 3। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आप ध्यान से देखें तो दोनों ही dx ओवर dy है, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहां से v प्लस y dv ओवर dy इज इक्वल टू e की पावर v इंटू वी माइनस 1 ओवर 1 प्लस e की पावर v, इस v को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यहां बनेगा y डॉट dv ओवर dy e की पावर v इंटू वी माइनस 1 ओवर 1 प्लस e की पावर v माइनस v। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e की पावर v इंटू वी माइनस e की पावर v, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस का v e की पावर v, ये टर्म कैंसिल हो गई, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे v प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v और y डॉट dv ओवर dy। अब यहां पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और v जिनमें भी v है हमारा उनको इस तरफ ले आएंगे और बाकी को हम उस तरफ ले आएंगे, तो यहां पर इस टर्म को इधर ले आइए, सो 1 प्लस e की पावर v ऊपर आ जाएगा, v प्लस e की पावर v यहां और dv को इस तरफ रख लिया, y नीचे चला जाएगा अपॉन dy, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहां पे, सिंपल सा इंटीग्रेशन ये है 1 प्लस e की पावर v ओवर यहां पर है v प्लस e की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस को बाहर ले लें 1 अपॉन y dy। आप देखें तो अगर हम इस टर्म को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो v का 1 e की पावर v का e की पावर v, यानी नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, और जब भी हमारे पास ऐसा केस आए कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी, मतलब नीचे वाला फंक्शन ऊपर आ जाएगा। ऐसा कैसे होता है, इस टर्म को पुट करेंगे तो ये और ये नया वेरिएबल बन जाएगा और नीचे बनेगा 1 अपॉन टी
और उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग टी, और टी की जगह वापस वही टर्म आ जाएगी। हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे एक्सरसाइज की है तब प्रूव किया है, ये अंडरस्टूड है हमें। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग वी प्लस ई की पावर वी, इसका हो गया माइनस लॉग वाई, और जब सब कुछ लॉग में है तो कांस्टेंट को भी आप लॉग में ले लेना। तो यहां से हो गया लॉग वी प्लस ई की पावर वी, और लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग सी बाई वाई, दोनों तरफ लॉग तो ई की पावर में ले जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं लॉग को कैंसिल कर देंगे। सो वी प्लस ई की पावर वी इज इक्वल टू सी बाई वाई, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम v की जगह वापस पुट करेंगे तो v की वैल्यू यहां से मिलेगी v इज इक्वल टू x बाई वाई, वापस पुट कर देंगे, यहां आ गया x बाई वाई प्लस e की पावर x बाई वाई और यहां पर c बाई वाई। या तो आप इसे यहां लीव कर दें या फिर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं इस तरफ, ये भी एक सोल्यूशन है, यहां भी लीव कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई इंटू ई की पावर x बाई वाई सी बाई वाई, तो यहां ये कैंसिल हो गया। सो x प्लस वाई इंटू ई की पावर x बाई वाई इज इक्वल टू सी, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यही क्या है हमारा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रैक से अलग था। अब तक जो आपने किए वो थे y को vx पुट करके, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और फंक्शन को x बाई वाई वाला दे दिया। ये भी सिंपल ही है, उसी मेथड से होता है, बट आपको यहां x को vy पुट करना होगा बस, और कोई इसके अंदर चेंज हमारा नहीं है। Now, 26 का b वाला पार्ट देखिए, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हमें दे रखा है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus cot x into y is equal to cos square x given that x is equal to pi by 2 and y is equal to 0। तो यहाँ ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हम इसको पहले अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, और जनरल सॉल्यूशन के अंदर एक्स और वाई की ये वैल्यूज पुट करेंगे और फिर हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सो इसको पहले तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विद किसके साथ, dy by dx plus py is equal to q। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ गई, cot x, और q की क्या वैल्यू आ गई, cos square x। यहां पर हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर p dx, p क्या है cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, अब e से log कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया sin x। काफी इजी था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हमें किस फॉर्मूले से मिलता है, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx। q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां आ गया y इंटू साइन x और q है हमारा cos स्क्वायर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन एक्स डी एक्स। अब यहां इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टू इन आर एच एस राइट हैंड साइड में, तो यहां से माइनस साइन एक्स
डीएक्स किसके बराबर हो गया, डीटी के, यानी साइन एक्स डीएक्स हो गया माइनस का डीटी। यहां पर है वाई इंटू साइन एक्स और यहां बन गया, इसको टी पुट कर लिया, टी स्क्वायर माइनस डीटी। इस माइनस साइन को बाहर ले आएंगे तो यहां बन जाएगा माइनस का टी स्क्वायर डीटी, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी वाई इंटू साइन एक्स, ये हमारा हो रहा है। अब वापस टी की वैल्यू रखोगे आप, सो माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस सी, विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो यहां पर हम इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, दिस इज आप इसे बोल सकते हैं सेकंड, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इन सेकंड, हम सेकंड के अंदर ये वैल्यूज इसमें डाल देंगे। तो वाई तो हमारा जीरो है, यहां हो गया साइन पाई बाई टू, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, माइनस कॉस पाई बाई टू का क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ये तो जीरो हो गया, और कॉस पाई बाई टू भी कितना होता है जीरो, तो ये टर्म भी जीरो हो गई। तो यहां से सी की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो। और इस सी की वैल्यू को आप जैसे ही इस जनरल सोल्यूशन के अंदर डालोगे वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां बन गया वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री, ये क्या है हमारा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन है। आप इसमें साइन एक्स को इधर ले जाएंगे डिवाइड में आएगा, ऊपर ले जाकर वो कॉसिकेंट एक्स बन जाएगा, यहाँ छोड़ देंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो एलपीपी से दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें एक एलपीपी की प्रॉब्लम दे रखी है और हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, सॉरी मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास, वो है z इज इक्वल टू 100x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, क्या दे रखे हैं, वो है हमारे पास x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 300, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 600 एंड y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 200 और x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम ये जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं इनका ग्राफ बनाएंगे एंड आफ्टर दैट इसके फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि किस पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 300, इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का, तो आप इज इक्वल टू का साइन लेंगे यहां पर। जब x 0 है तो y 300 और जब y को 0 रखेंगे तो x 300, और हमें बनाना है ग्राफ ऑफ 3x प्लस y इज इक्वल टू 600 जब हम x को 0 रखेंगे तो y आएगा 600, y को 0 रखेंगे तो x आएगा 200। एक और इक्वेशन बचती है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 200, या फिर x को आप इस तरफ ले आए सो y माइनस x इज इक्वल टू 200। यहां पर x y, जब x को 0 रखेंगे तो y 200 और y को 0 रखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो
माइनस 200 आएगी। मतलब तीनों लाइंस को ड्रा करने के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं इन इक्वेशंस के ग्राफ। पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,300। मैंने ये इंटरवल जो है 100 का लिया है, तो 0,300 पॉइंट यहाँ पर होगा, फिर है x300,0। तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास होगी, दूसरी ये लाइन है हमारी x+y = 300। 0,600 तो यहां पर होगा, x200,0 यहां पर, और इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करवा, दिस इज द लाइन एंड दिस इज 3x+y = 600। y-x = 200, x0 y 200 और x-200 और y0, तो यहां से एक लाइन पास होगी एंड दिस लाइन इज y-x = 200। तो हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। अब हम चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। इस वाले कॉन्स्टेंट में x और y की जगह में 0 रखता हूं, तो 0+0 < 300, यानी कि 0 < 300। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये बात सही है। तो इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजन की तरफ होगा एंड इस वाली लाइन का ओरिजन की तरफ होगा। ऐसे ही आप दूसरे वाली लाइन में रखोगे, सो यहां पे आएगा 0 < 600। इज इक्वल टू वाला सिंबल नहीं लेना है आपको, केवल ग्रेटर देन या लेस देन वाला सिंबल लेना है। तो यहां पर यह बात भी सही है, यानी इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो भी ओरिजन की तरफ होगा। थर्ड वाली में पुट कर दो, यहां पर है 0 + 200, यानी 0 < 200, इसकी भी बात सही है। तो इसका ओरिजिन की तरफ यानी यहां हो, और एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप चेक करें फिजिबल रीजन ये बन पा रहा है आपका, दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, ये है। बस इसके कॉर्नर पॉइंट्स और निकाल लें आप। देखो ये वाले कॉर्नर पॉइंट तो हमें पता है, दिस इज 0,0, आप इसे नाम ए दे सकते हैं, दिस इज बी, और ये है हमारा 200,0, ये हमारा सी है जो हमें नहीं पता, ये डी है, ये भी निकालना है, और ये है हमारा ई जो कि है 0,200। तो ये दो निकालने हैं हमें बस। आप देखें तो ये वाला जो है ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो इस वाली लाइन का और एक इस वाली लाइन का, और एक है y-x = 200। दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी y, दिस इज x से x कैंसिल होगा, y = यहां पे आ गया 500 और y आ गया 250। y को 250 रखेंगे तो x आ जाएगा 50, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 50,250। अगले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर चलिए, और आई थिंक हमने कुछ गलत कर दिया है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 50,250, इस वाले के तो निकालने हैं अभी। ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो इस वाली का और एक इसका, सबट्रैक्ट कर दो, यहां पे आ गया 2x = 300 और x = 150। x को 150 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा 150, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 150,150। सारे ही हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं। अब सॉरी ये जेड नहीं है, पी दे रखा है हमें यहाँ पर, पी को मैक्सिमाइज करना है, तो पी में हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स रख लेंगे, पी एट 0,0।
तो यहाँ पे तो 0 + 0 इज 0 हो जाएगा। इसके बाद पी एट दूसरे वाले पॉइंट पर, इसका नाम भी दे रखा है ए, पी एट बी दैट इज 200, 0, ये हो जाएगा 100 × 200 + 0, यानी कि ये हो गया हमारा 20,000। नेक्स्ट पॉइंट है पी एट सी यानी 150, 150, 100 × 150 + 5 × 150, ये तो हो गया हमारा 15,000 और ये हो गया 750 यानी 15,750। नाउ पी एट डी वो हो जाएगा 50, 250, सो 100 × 50 + 250 × 5, ये हो गया हमारा 5,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1250 यानी 6250। इसके बाद पी एट दिस ई पॉइंट जो है 0, 200 यानी 0 + और ये आ गया 1000। अब आप देखें कि जो P है हमारा वो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ ये मैक्सिमम है हमारा, सो P इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट B, यानी P इज मैक्सिमम व्हेन X इज इक्वल टू 200 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 20,000। तो कुछ डिफरेंट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल एलपीपी का क्वेश्चन था। पहले हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर उनका ग्राफ बनाया, फिजिबल रीजन ड्रॉ किया है और सारे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट किया, जिस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी उस पर मैक्सिमम बता दिया है। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है और वो यहाँ पर के की वैल्यू निकलवा रहा है और दो वैल्यूज हमसे और पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, फॉर्मूला जो है, वो इस्तेमाल करेंगे कि समेशन ऑफ ऑल दिस पी एक्स, वी मस्ट से समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to n, दिस पी एक्स आई जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि इन सब का हम सम कर दें तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से तो हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, एलसीएम लिया तो 6, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 एंड 6 × 1 = 6, यहाँ पे आ गया 6k/6 इज इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू 1 आ गई। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट वो हमसे पूछ रहा है, फाइंड पी एक्स व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and 3। मतलब देखिए, 1 से बड़ा और 1 भी उसके अंदर है और 3 से छोटा लेना है, 3 नहीं लेना है उसमें, तो बस दो ही हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 1 + px = 2, दोनों को ऐड कर दो, k/2 + k/3, एलसीएम इज 6, 3k + 2k = 5k/6 और k को इसके अंदर 1 रखेंगे तो ये आ गया 5/6। इसके बाद हमें निकालना है ई एक्स, या फिर हम बोले मीन ऑफ एक्स। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई को ही हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई और उन सब के सम को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो यहां से कर ले आप दिस ई एक्स, और आई मस्ट से दिस म्यू इज 1 × k/2 = k/2,
टू इंटू के बाई थ्री इज टू के बाई थ्री प्लस थ्री के बाई सिक्स, एलसीएम इज सिक्स, टू थ्री जा थ्री टू जा एंड यहां पे थ्री के एंड दिस इज टेन के बाई सिक्स, टू से फाइव टू से थ्री, के की वैल्यू रखोगे तो फाइव बाई थ्री, यानी जो म्यू है वो हमारे पास क्या आ रहा है, फाइव बाई थ्री आ रहा है। तो बस सिंपल से तीन क्वेश्चन इसने पूछ रखे थे, पहले के निकाल दो, फिर ये इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू और फिर इसका मीन पूछ लिया। अब जो और वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन बाई फोर। समझे, हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वन बाई फोर और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वन बाई सिक्स दे रखा है और वो कह रहा है पी ए और पी बी निकाल दो। सो मान लेंगे लेट पी ए इज इक्वल टू एक्स एंड पी बी इज इक्वल टू वाई, सिंस ऑल दिस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो यहां से इस वाली टर्म की वैल्यू बन जाएगी पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट इज वन बाई फोर, इसे फर्स्ट बोल दो, ये बन जाएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी इज वन बाई सिक्स, इसको सेकेंड बोल दो। पी ए हमारे पास है एक्स, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसको यहां पे नाम ना दें, इसको हम आगे नाम देंगे, पी ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वन माइनस पी ए यानी वन माइनस एक्स, पी बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वन माइनस पी बी यानी वन माइनस वाई, और इन दोनों वैल्यूज को यहां फर्स्ट और सेकंड में रख दें, पुटिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पे बन पा रहा है हमारा x इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन, और यहां पे रखेंगे तो y वन माइनस एक्स इंटू वाई इज वन बाई सिक्स और y माइनस एक्स वाई इज वन बाई सिक्स, ये बन गई फोर्थ। अब थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ गया एक्स माइनस एक्स वाई, माइनस का सिंबल आएगा तो ये माइनस का वाई, ये प्लस का एक्स वाई, यहां पे वन बाई फोर माइनस वन बाई सिक्स, एलसीएम आ गया आपका यहां पे ट्वेल्व, दिस इज वन बाई ट्वेल्व। अभी भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल्स में हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इसको एक वेरिएबल में बनाना होगा और उसके लिए मैं यहाँ y को रख दूंगा यहाँ से। यदि मैं y की वैल्यू निकालूं और ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू वन माइनस एक्स, सो x माइनस 1 अपॉन 6 इंटू वन माइनस एक्स इज 1 बाई ट्वेल्व, एलसीएम ले लो 6 इंटू वन माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ये बन जाएगा 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 12, 6 से 2 टाइम्स 2 की तो इससे कर लो 12x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2 और इधर 1 माइनस 6, दोनों को इस तरफ ले आओ तो माइनस 12x स्क्वायर, इधर प्लस का 13x हो जाएगा और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लो यहाँ पर, माइनस बी यानी प्लस का 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 169 माइनस 4ac यानी कि 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 अपॉन 2a यानी 24। सो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, दिस इज यहीं पे सॉल्व करते हैं, 13 प्लस माइनस 25 का हो जाएगा 5 बाई 24,
जब हम इसको एक बार ऐड करेंगे तो 18/24 यानी कि 6 से 4, 3/4, और जब माइनस करेंगे तो 8/24 यानी 1/3, और एक बार x की वैल्यू आई है 1/3। जब x 3/4 है, जब x 3/4 है तो यहां पर आप वैल्यू रखें तो 1-3/4 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/6, ये बन जाएगा 1/4 इंटू वाई इज 1/6, वाई इज इक्वल टू 4/6, यानी यहां पर y की वैल्यू आ रही है 2/3। और जब x 1/3 है तो 2/3 इंटू वाई इज 1/6, 3 से 2 times, y इज इक्वल टू 1/4। तो ये दो हमारे पास केसेस इसमें आएंगे। x मतलब आप पी ए बोल सकते हो तो p भी इतना आएगा, और जब pa हमारे पास इतना होगा तो p भी हमारे पास ये आएगा। तो सिंपली बस ये माइंड में होना चाहिए कि जब a और b इंडिपेंडेंट हैं तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। फिर हमने pa और pb को xy इसलिए मान लिया क्योंकि आपने देखा x स्क्वायर y स्क्वायर बन रहा था, और इक्वेशन में कहीं p ऑफ a का स्क्वायर बने तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी कि जिसमें थोड़ा विजुअलाइज कर पाना मुश्किल होगा और उसे सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी। तो दैट्स वाई हमने पी ए और पी बी को एक्स और वाई मान लिया। फिर सिंपली हम एक्स और वाई के साथ तो काम करते ही हैं, और उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, पी ए पी बी की वैल्यू मिल गई है हमें यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला पार्ट देखिए। 0 to π/2 e की पावर x sin x dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल से हमें क्वेश्चन दे रखा है, और ये एक इस तरीके का इंटीग्रेशन है जहां पर टर्म टर्मिनेट नहीं होती है, वापस अपने पुराने इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले क्या करें, केवल इस टर्म को सॉल्व कर लो और वापस फिर यहां रख के हम उसकी लिमिट्स निकाल लेंगे। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यहां पे हो गया फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो टोटल में टर्म मिलेगी उसका इंटीग्रेशन। e की पावर x का तो e की पावर x होता है, साइन x का हो गया cos x। अब देखो फिर से हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अगेन, यहां पे हो गया i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x सेम, e की पावर x का e की पावर x माइनस यहां पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, और जो टोटल में टर्म मिलेगी उसका भी इंटीग्रेशन। यहां पे आ गया e की पावर x साइन x माइनस यहां पे आ गया कॉस एक्स e की पावर एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू e की पावर एक्स dx। अब कितनी ही बार इंटीग्रेशन करते रहो, कॉस बन जाएगा फिर साइन बन जाएगा फिर कॉस बन जाएगा, कभी खत्म नहीं होता। तो यहां आप देखो तो ये पहले वाले इंटीग्रेशन के जैसा बन गया है, मतलब इस वाली टर्म की जगह मैं आई यूज कर सकता हूं। तो यहां इसको इधर ले जाएंगे तो आई यहां पहले से है, आप ये थोड़ा और करते हैं, इसको माइनस साइन अंदर ले जाओ, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, और ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स ई की पावर एक्स, जो आई है
इधर ले जाएंगे तो प्लस का आई हो जाएगा, और यहां से ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये टू आई बन गया। टू को इधर ले जाएंगे, वन बाई टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा इस टर्म का इंटीग्रेशन आ रहा है। तो इस टर्म का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा वन बाई टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इस पर लिमिट्स पुट कर देंगे जीरो टू पाई बाई टू, अपर लिमिट यानी ई की पावर पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू, और फिर उसमें से लोअर लिमिट यानी ई की पावर जीरो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, यहां पे आ गया वन बाई टू ई की पावर पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू होता है आपका वन, कॉस पाई बाई टू होता है जीरो, ये जीरो होगा, ये माइनस का वन यानी माइनस, ये प्लस का वन बन जाएगा, वन बाई टू ई की पावर पाई बाई टू प्लस वन, और यही क्या है हमारा इस पूरी टर्म का सोल्यूशन आ रहा है। तो बस आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब ई एक्स इंटू साइन एक्स आए तो वहाँ टर्म्स टर्मिनेट नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो फिर हमें वहाँ पर दो स्टेप्स के बाद या तीन स्टेप्स के बाद पहले जैसी टर्म बन जाएगी, और उसकी जगह आई पुट करके ही इंटीग्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है। अदरवाइज तो इंटीग्रेशन चलता रहेगा, आप कितना ही करते रहें वो कभी ख़त्म नहीं होगा, आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी लेकिन इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होगा। आई यूज़ करके उस तरफ ले जाएंगे एंड फिर इसका सोल्यूशन कर सकते हैं।